कम 50 बेल बन गए 50 बेल। अब ये तो बेचारी कोई धनी धोरी नहीं है, इनको एक दो उनको ये धनी धोरी जो नगर जो बस हम तो आवारा न ले जा रहे भाई, आवारा ने ले जा रहे कल छोड़ूंगा नहीं तो भाई, मैं तो कल छोड़ूंगा जो बंदी है वो, आज बंद गई फिर कल छोड़ देंगे। ये गई औजार खत्म है, हम तो आग में रखवारी करेंगे, जो मिली वक्त भीतर मिली वक्त भीतर चढ़ा के ले गए नहीं बे नौकरी गए। तेरी उम्र कितनी है बता, ये चढ़ा के ले गए नहीं तेरी 25 साल मैदान में शर्मदारी कौन का। मैं कम से कम 25 साल से देख रहा हूँ, हर साल गाय गिराऊ आती है, सेना रुपाऊ आती है, अब तो सेना नहीं रुक रही है इस समय, लेकिन हर साल गाय गिरती है, सेना रुकती है, सरपंच पंच सरदार पंजाबी मैना माली ब्राह्मण बनिया सब मीटिंग करते हैं, लेकिन आज तक उजार बन गई। कैसे हो भाई साहब उजाड़ बंद, उजाड़ बंद कैसे होगा यार, तुम्हारी जनरेशन बंद होगी जब उजाड़ बंद हो जाएगा, बाढ़ घोया पानी पिया लाओ, पैदा होता है मवेशी पैदा होगी और मवेशी चलेगा, इन लोगों की बसिया नहीं छोड़ो, चरमोई पूरी जुत गई जान दो, दोनों में नदी में बिस्ता हूं, नदी पूरी जुत गई, नदी में एक बीघा जमीन नहीं छोड़ी तुमने गायों के लिए, आज ये नड़े गायन के कारण ये पूरे पूरे ये गाय हमारे गांव की आवारा मवेशी जो किसानों के खेतों को फसल को बर्बाद करती है, उजाड़ करती है। जंगल की ओर जा रही है गाय, अभी इनको निकाल दिया गया है और लोग तैनात है जगह जगह पे ताकि ये इधर उधर भगे नहीं। गाय लिया गया देख लीजिए आप, इसमें अंदर एक भी गाय नहीं है, लेकिन बहुत सारी गाय यहाँ पे रुकी हुई है, गाय और बैल जो आगे नहीं बढ़ रहे। किसान मेहरवान सिंह राजावत, इन्होंने ये मुद्दा उठाया था गांव के अंदर। इतनी मेहनत करने के बाद भी देखो ये बैल भाग निकल चुका है पंजे से, ये नदी पार करके भाग गया है अभी। अब ये भाई भागते हुए उसको ले जाए, भी भागने की कोशिश कर रही है नदी पार करके। और देखो ये उस बैल को लेने के लिए वो लड़का पूरा नदी के उधर से घूम के, और देखो बहुत मशक्कत कर रहा भाई, इन्होंने बहुत मेहनत की है इनको घेरने में, तो कैसे निकल जाने देंगे। ये देखिए वापस घेर के ला रहा है वो, और ये देखिए और किसान ये नदी में डूब चुका है वापस लाने के लिए, ये आवारा मवेशी है गाइस, इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए देखिए आप नदी में उतर चुका है जिसमें काफी गहरा पानी है, और ये अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद गया, क्योंकि ये मवेशी इनके खेतों में उजाड़ करती है और फसल को बर्बाद कर देती है। ये देखिए आगे गंदा अंदर।
बैल भागने के प्रयास कर रहा है और लड़का भाग रहा है उसके पीछे। एक और चली, एक और नदी की रोड करवाई जा रही है इनको, एक और बार गायों को सारी मवेशी को नदी पार करवाई जा रही है। नदी पार करवा के बड़े आंखों को से रोड रोड ले जाया जाएगा। ये चेंटू भाई नदी में कूद कर मवेशियों को रोकते हुए भागने की कोशिश कर दी मवेशी, और चेंटू भाई नदी में कूद गया और वापस कर दिया इन्होंने मवेशियों को। चेंटू भाई का बहुत सहयोग रहा है इसमें और मवेशी नदी पार कर चुकी है फाइनली। ये किसी के खेत में पहुंच जाए तो उस खेत का सत्यानाश हो जाएगा, उस खेत का उसमें कुछ फसल नहीं हो पाएगी। इतनी सारी मवेशियाँ हैं जिनका कोई जिम्मेदार नहीं है गांव के अंदर, और जिन भाई लोगों की नुकसान करती है उनको तो दर्द आ रहा है। इसलिए भाई मेहनत कर रहे हैं किसान भाई, हालांकि पूरे किसान साथ नहीं लग रहे हैं इस काम में, लेकिन एक अस्थाई प्रबंध करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना कम हो जाए टोटल में उतना अच्छा है। इतनी सारी मवेशी है गाय, कितनी सारी ये इनमें कुछ तो आवारा पशु है लेकिन कुछ गायों के टैग लगा हुआ है जिनका कोई ना कोई मालिक है, लेकिन दूध निकालने के बाद में उनको अपनी ज़रूरत पूरी होने के बाद में ऐसी आवारा छोड़ देते हैं, उसका खामियाजा किसान भाइयों को भुगतना पड़ता है। देख सकते हो आप इनमें काफ़ी सारे बड़े बड़े बैल भी हैं, जो बैल नंदी नंदी महाराज जो जालियों को तार फेंसिंग को इनको उखाड़ देते हैं और नुकसान भी भारी भरकम नुकसान करते हैं। ये देखिए ये नंदी महाराज भगते हुए गाइस। देखिए मवेशी रोड से उतर के भाग रही है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत आसान नहीं है इनको घेर के ले जाना, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है भाग दौड़ वो कर रहे हैं किसान भाई। देखिए बहुत परेशान कर रही है गाय, इन मवेशियों को बहुत मशक्कत के बाद में चांदीपुरा फाटक क्रॉस करवा दिया गया है। देख सकते हो आप ये चांदीपुरा फाटक और ये मवेशियों को चांदीपुरा से आगे निकाला जा रहा है, और रोड पे से देखो मवेशी नीचे उतर गई है और हमारे किसान भाई इनके पीछे पड़ रहे हैं लगातार। चेंटू भाई ये देखो, चेंटू भाई का बहुत ही योगदान रहा आज, और चेंटू भाई लाते हुए इनको घेर के, और बंटी भाई देखो बंटी जाटा भागता हुआ। और गाइस ये मवेशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत आसान नहीं है इनको यहाँ से ले जाना, फिर भी बलानी फाटक क्रॉस करवा दिया गया इनको। अभी अब आगे का सीन और दिखाते हैं आपको।